Good evening, everyone. Am I audible, my dear students? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Perfect. Great. किया सबने होमवर्क किया? Yes, sir. Yes. सर नो सर दो सम नहीं है दो सम नहीं है क्यों सर सब लोगों ने होमवर्क नहीं किया है मेरे पास रिकॉर्ड है सबने होमवर्क नहीं किया नहीं क्या मैडम प्लीज बताएंगे आप आधे लोग गायब हो जाएंगे जिसने नहीं किया देखना सर एक मिनट बता रही हूँ सर मैंने किया पर सबमिट कर इसका सबमिट नहीं किया वापिस रिपीट कीजिए मैम अब्दुल्ला लेकिन आज अब्दुल्ला नहीं आएगा तो फिर रहने दो क्रिश ओके और मारू नहीं मतिन ओके नितेश लास्ट नाम क्या बोला आपने मतिन मतिन ओके और फिर सना सना तो लेक्चर ही कहाँ बैठती है सना तो लेक्चर ही नहीं बैठती है नहीं बैठी थी यूसुफ नवीन ओके हेलो सर हाँ बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ हाँ नवीन मेहुल ओके और मैं पूजा पूजा ने भी नहीं किया है नहीं दिव्या हमेशा करती है इस बार उसने नहीं भेजा अच्छा याद आया और वीर ने भी किया लास्ट वाला क्या नाम बोला वीर सर ए वीर क्या कह रहे होमवर्क क्यों नहीं किया थोड़ा बाकी है सर चलो कंप्लीट कर ले आज ठीक है सबमिट करना याद से यस दिव्या ने किया है क्या दिव्या भी आज उठली मारी है हाँ दिव्या ने अरे सर मैंने भेजा है हाँ मैडम ने बोला पहले तो नहीं भेजा है तो मैं बोला चलो ठीक है अरे नहीं मैंने बोला मैंने लेट भेजा क्योंकि मैं बाहर हूँ सर अच्छा Yes, sir. सर मैंने तो कल ही भेजा था मिस नहीं बोल रही है ग्रुप पे है मैंने अभी अभी हाँ ठीक है पूजा मैं देखती हूँ हाँ कांदिवली वालों का कौन अपडेट लेता है रे कांदिवली ईस्ट वालों का सर कांदिवली में से किसी ने नहीं किया ए? सर किया है भेजा नहीं है खाली नहीं मैंने भेजा नहीं है तो छे तो ये बाकी तीन ही लड़के बैठते है बाकी लड़कियां तो गायब है और सर चेतन अभी भेज सकता हूं मैं AWM का थोड़ी देर में अपडेट करती हूं आपको हां अंधेरी वेस्ट मॉर्निंग में से तो मेरे को एक्टिव बच्चा एक शुभम लगता है ये शुभम एक्टिव है अविनाश रहता है और कौन रहता है आदित्य रहता है बट ज्यादा बोलता नहीं है और कौन है बस जितेश कैफ तो गायब सर प्रेम यस प्रेम भी रहता है ओए होमवर्क किधर है प्रेम तेरा सर भेजाओ सर अच्छा भेजा है फिर ठीक हाँ सर बढ़िया चलो बताओ लास्ट टाइम मैंने बताया था कहाँ पे अपने को स्टार्ट करना है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि चलो ये वाला पार्ट यस सर आंसर डिस्कशन बस आप एक टेक्स्टबुक का पीडीएफ खोल के देखना एक मिनट वापस बोलो जरा टेक्स्टबुक ओपन करके देखो ऐसा बोल रहे हो मैं कहता तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है ये वॉइस इज ब्रेक हेलो सर बोलो सर मैं बोल सकता हूं बोलो सर दो सम मुझे नहीं है वो बता उसमें से एक सम रॉन्ग है ठीक है वो x = 40 वाला ना फाइन x = 40 वाला अच्छा हां सर वही हां उसमें 33 आना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं x = 60 आना चाहिए वो जो 40 है ना जो कोएफिशिएंट है ना x = 40 का जो कोएफिशिएंट चाहिए हां वो 40 की जगह पे 60 है वो
ठीक है, तो वो एक है, तो वो एक करेक्शन है, बाकी कौन सा नहीं पता। और एक लास्ट वाला सर, एक लास्ट वाला जो समय ना लास्ट क्वेश्चन, जरा बोलेगा क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड ना, आंसर डिस्कस करना। चल ठीक है, आंसर डिस्कस करते फिर एक मिनट रुक जा, आंसर डिस्कस करना है ना, एक मिनट रुक, तो जस्ट अ मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, वेडनेसडे सर, सर बोल बोल सर, आप मिडल टर्म एक्सपेंशन एक बार वापस सिखा सकते हो, मतलब रफ में बता सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, रुक जा वही तेरे को शेयर करता हूँ तेरे सामने, रुक जा ये देख, स्क्रीनशॉट ले ले, देख दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। और पढ़ ले, नहीं समझा तो मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अभी क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, ये जो होमवर्क क्वेश्चंस थे, ताकि आप लोग क्या कर पाओ। मैंने लिखे थे ना क्वेश्चंस गाइस, आई होप मैंने लिखे थे क्वेश्चंस कि नहीं लिखे? हाँ सर लिखे, लिखे थे ना मैंने, लिखे हुए मिल नहीं रहा है, कहाँ लिखा था मैंने, अब तो दूसरा पेज था लगता है, एक मिनट सर, मिडल वाला दिखाओ ना एक बार सर, मिडल वाला एक बार दिखाओ ना उसके दो, क्या बोल रहे हो आरती सर? आपने जो अभी ये खोला था ना, उसके टू स्लाइड्स पहले वो था होमवर्क वाला स्लाइड। अच्छा दो स्लाइड पहले था, ओके ओके ओके, रुको फिर कर दूं क्या, हटा दूं क्या ये? यस सर, यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है, बोलो आप क्या क्वेश्चन लिखते रहे देखो कि फिर मेरे पास टेक्सटबुक नहीं है अभी क्योंकि मैं बाहर हूँ। हाँ वो तो लिख दूंगा आज, वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तीन चार ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन तो लिखूंगा ही मैं। क्यों सर? बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा अच्छा, तो फिर वो ज्यादा ये हो जाएगा, लिखना तो है, वो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो रीडिंग से नहीं हो पाएगा वो। चलो क्वेश्चंस ये रहे, यस मिल गए, करेक्ट, ये क्वेश्चंस थे माय डियर स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर। चलो अब पहले वाले का आंसर बताओ हार्दी मैडम प्लीज, पहले वाले का आंसर, फर्स्ट का आंसर है -20। करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, परफेक्ट, तो इसका आंसर है -20। बोलो प्रियम, सेकंड का आंसर बोलो सर, -252 क्या लिखो नीचे? 8y आएगा, ओके ठीक है, प्रेम ने रिड्यूस नहीं किया, बाकी सब सही है। यस यस शुभम बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये मिडिल टर्म का है ना, देखो आपके सामने ये थर्ड वाला मिडिल टर्म ऊपर लिखा है ना, दो मिडिल टर्म्स आएंगे। हाँ दो आए इसके मिडिल टर्म, तो इसका पहला मिडिल टर्म है x raise to 8 into 8y raise to 6, x raise to 8 into 8y raise to 6, यानी 8y raise to 6 x raise to 8, ऐसा बोल रहा है? हाँ क्या बोलते हो, करेक्ट है? सर गलत है सर, मुझे 2 8 हाँ बोलो बोलो, raise to 2y raise to 6 आया, into 35 नहीं किया, 280 x raise to 2 और y raise to 6 है, कंफर्म करो ये सर, x raise to 8 है, हां ये राइट, x raise to 8 है, x raise to 8 है, x raise to 8 है, रुको x raise to 8, एक मिनट, हां
ये अपना ठीक है, ये फोर्थ टर्म है, आगे बोलो एक और टर्म। तो फिफ्थ टर्म है 560 एक्स रेस टू 6 और वाई रेस टू 8। कंफर्म करो ये करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, करेक्ट है। चलो रोचित फोर्थ वाला बोल। सर 189 एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 16 ये T5 है। 16 ना 16 हाँ 16 यस दैट इज इट बस टर्म 5 है टर्म 6 है माइनस 21 एक्स रेस। अच्छा दो टर्म है ओके 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 माइनस 21 एक्स रेस टू 6 बस ये दो टर्म्स है क्या बोलते हो करेक्ट 3 एक्स रेस टू 3 सर माइनस 21 अपॉन 8 इनटू एक्स रेस टू 3 अच्छा 21 अपॉन 8 इनटू एक्स रेस टू 3 यस सर ये हाँ बराबर ठीक है। चलो नेक्स्ट मुझे दिव्या ने किया तो बता सकती है अगर दिव्या का आवाज आ रहा है तो प्रॉपरली। सर आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। सर उसमें कोएफिशिएंट ढूंढना था ना पहले वाले का? हाँ आपके सामने क्वेश्चन है ना बेटा, देखो क्वेश्चन लिखा है वही है, उसी का आंसर बताना है। हाँ तो 378 है। 378 क्या बोलते हो राइस? 378 बोलो तनिष क्या बोलता है? हमारा फर्स्ट वाला नहीं किया हूँ बाकी लोग। हाँ सर 378 है। 378 ठीक है कुछ ऑप्शन है तो बोलो, मेरे को नहीं पता है आंसर, आप लोग बोलोगे तब मुझे पता चलेगा। सर एक्चुअली सर आपने मना कर अच्छा ये तो वही है ना, ये वाला हाँ ये वाला मना किया था क्योंकि ये हो गया था ना लास्ट टाइम। बराबर नेक्स्ट वाले का 153 है। नेक्स्ट वाले का अच्छा नेक्स्ट वाले का 153 है ओके करेक्ट ठीक है। सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना? नहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है रे, ये रॉन्ग है। यस सर यही सर अच्छा ये मतलब फर्स्ट वाला की सेकंड वाला बोल रहे हो? अच्छा 60 लेके ना आया वाला, 60 लेके आएगा। मैंने करेक्शन भिजवाया था इवनिंग मैच में, भिजवाया था करेक्ट, सारथी को बोला था करेक्ट ओके। चलो रोनाल्डो थर्ड का आंसर बोलो अगर किया है तो। 2268 राइट है। 2268 ओके। बोलो सुदीक्षा फोर्थ वाला बोलो। सेवन नाइन टू जीरो क्या बोलते हो? यस सर राइट है सर। थर्ड वाला रॉन्ग है सर। थर्ड वाला रॉन्ग है सर। थर्ड वाला मेरे को 567 आया। थर्ड राइट है सर। 226 हाँ सर मुझे। अरे एक बार ट्रॉल कर दो। अरे बट बहुत लोग का दिखते हैं ना क्या था? जैनम का क्या है? जैनम थर्ड का आंसर बोल। हाँ सर यही आ रहा है। 2268 कंफर्म? यस सर 2268 ही आ रहा है। ओके यस सर। व्हाट अबाउट राज? राज क्या बोलता है? हीरो राज सर। हाँ मतलब क्या किसके लिए? 567 के लिए कि 2268 के लिए? 2268 ओके हाँ ठीक है गॉट इट। चल फिफ्थ का आंसर बोल। फिफ्थ का राइट है रे अपना क्या नाम है रुचित इसका, फिफ्थ का बोल। किया है कि नहीं किया होमवर्क? नहीं किया तो जाने दे। चल कौन बोलेगा? प्रतीक्षा बोलेगी। -4862 क्या बोलते हो सर? -46120 आया मुझे सर। -48620 4862 ओके। सिक्स्थ वाले का आंसर बोलो। सिक्स्थ वाले का रुको कौन बोलेगा? सिक्स्थ वाले का मैं बोलो उपेन बोलो। सर -495 अपॉन 256
माइनस 495 अपॉन 256 क्या बोलते हो? तो माइनस सर रॉन्ग है, माइनस में कैसे आएगा? माइनस नहीं रहेगा सर, माइनस नहीं है, प्लस है, सिर्फ प्लस है। यस सर, वैल्यू सही है, साइन गलत था। अच्छा ओके, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये वाले का आंसर आया क्या? एनीबॉडी हु हैज गॉट द आंसर फॉर दिस? सारथी का आया क्या? हां सर, सब किया सर। बोलो सारथी, बोलो इसका आंसर कौन सा है ये? सर बी का वैल्यू 2 है। बी का वैल्यू 2 बोल रहा है ये, बाकी लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट है। और इसमें तो मैंने बताई दिया था, हिंट बताई दिया था, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, कैसे शो करोगे? आर का वैल्यू आपको कुछ तो पॉइंट में मिलेगा, तो आर का वैल्यू पॉइंट में मिल गया मतलब टर्म ही नहीं जनरेट हो पाएगा। यस सर, 7.5 है ना? 7.5 है। हां सर, बराबर। क्या ये अपना लास्ट लेक्चर है गाइस ऑनलाइन का? पता नहीं सर, सर अभी तक बताया नहीं, ऑफलाइन तो चालू होएगा बट कह रहे कि नेक्स्ट वीक से हो सकता है। अच्छा वही, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, ऐसे पूछ रहा हूँ, आपके पास सर डिटेल्स होगा ज्यादा इसके लिए। सर नीट वालों ने कह दिया है कि चालू हो जाएगा मंडे से। ओ वाह, बट फिर कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे ना चालू हो जाएगा तो? नहीं सर, नहीं सर, सारे खुश हो जाएंगे। ऑफलाइन में 3 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऑनलाइन में सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, बायो वालों को दोपहर को 2 घंटे। ऑनलाइन की बोलते ना भरमार है, नहीं बहुत ज्यादा है, बायो, यस सर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक ही दिन में 8-8 घंटा ऑनलाइन। ऑफलाइन चल जाता है एक बार के लिए। कॉलेज का कौन बैठता है बेटा? कॉलेज का तो कोई नहीं बैठता है। नहीं आजकल बैठना पड़ता है जब प्रैक्टिकल्स कराते हैं। प्रैक्टिकल में ध्यान देना पड़ता है। चलो अभी ध्यान से सुनना, अभी जो टाइप के सम्स में अभी करवाने वाला हूँ वो है ना, आपको पहले ही बता देता हूँ, सुपर बोरिंग है, ठीक है? बोरिंग में ही बोलूंगा, सुपर बोरिंग है। बट आपने एक सम समझ लिया ना, इफ यू हैव अंडरस्टूड वन सम तो आप सारे सम्स कर लोगे, ठीक है? ये सम की खासियत है, ये टाइप के सम्स की खासियत है। इफ यू हैव अंडरस्टूड वन सम then you will be able to do each and every sum, ठीक है? इतना easy है, थोड़ा सा आपको लगेगा tricky हो रहा है, but इतना difficult नहीं है, अच्छी तरह सुनना जरा, ठीक है? देखो अभी क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जरा cautiously सुनना, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा difficult जा रहा है तो मुझे stop कर देना, ठीक है? Pay attention। पहले मैं आपको एक example बताता हूँ, simple से example से आपको explain करता हूँ तो better रहेगा। चलो यही लिख देता हूँ, जाने दो। 2+4+6+8+++ and so on up to 2n, this is equal to n into n plus 1, ठीक है? ये शो करना है। देखो अभी अपने को करना क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको थोड़ा मेरा लैंग्वेज थोड़ा अजीब लगेगा, सर ये क्या बोल रही है, इसका सब क्या करना है? अभी अपने को बेसिकली ये अपना LHS है और ये अपना RHS है, तो मुझे बेसिकली LHS इक्वल टू RHS शो करना है, ठीक है? LHS इक्वल टू RHS शो करना है, बट कैसे शो करना है पता है? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे शो करना है पता है? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रोसेस, ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके मुझे LHS इक्वल टू RHS शो करना है। तो कोई भी पूछेगा भाई ये क्या किया, इतना बड़ा प्रोसीजर क्या किया है जो भी मैं करने वाला हूं, तो बोलने का कि ये जो है ये प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, LHS equal to RHS show करना है, but principle of mathematical induction से, तो उसका कुछ process है। अब ध्यान से सुनना क्या process है, pay attention, ठीक है? तो पहले नाम याद हुआ, principle of mathematical induction। चलो अभी ध्यान से सुनना, अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये जो LHS है, ध्यान से सुनना, आपने ऐसा कभी लाइफ में कभी ऐसा मैथ्स में पढ़ा नहीं होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? ये जो LHS है, ये इसमें यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है बताओ, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने पता है, n है। कितने टर्म्स है टोटल ऐड हो रहे हैं, टोटल n टर्म्स आर गेटिंग एडेड, कितने n टर्म्स। अभी आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको n टर्म्स है, थोड़ा मैं आपको देखो बताता हूँ। देखो मुझे बताओ हर एक टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, हर एक टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है LHS में से, तो क्या बच रहा है बताओ, 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म, क्या होगा बोलो, लास्ट टर्म n होगा, n
तो बताओ वन से लेके एन तक टोटल कितने नंबर्स हुए, वन से लेके एन तक टोटल कितने नंबर्स हुए, एन नंबर्स हुए। आप देख रहे हो ना, अगर मैं बोलूं ये स्टार्टिंग के तीन को देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो टोटल कितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं, टोटल थ्री टर्म्स ऐड हो रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वैसे वन से लेके एन तक ऐड हो रहा है, तो टोटल एन टर्म्स ऐड हो रहे हैं, है ना। तो वैसे आपको समझना है कि टोटल टर्म्स विच आर गेटिंग एडेड वो एन टर्म्स है। मतलब बेसिकली मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस शो करना है, बट अपने को इतना पता है कि एल एच एस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन टर्म्स है। तो ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरे को मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये जो पूरा मेरा स्टेटमेंट है, तो ये पूरे स्टेटमेंट को मैं पी ऑफ एन बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, पी ऑफ एन। तो लेट पी ऑफ एन, अभी यहाँ पे एन क्या है बोलो, यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, पी ऑफ एन ही क्यों लिया सर, पहले लिख देता हूं मैं, लेट पी ऑफ एन इक्वल टू टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट एंड सो ऑन अप टू 2n equal to n into n plus 1। अब यहाँ पे n क्या है बोलो, n क्या है मेरा natural number, n belongs to natural number। अभी आप बोलोगे सर इसको p of n ही क्यों लिया, why p of n, p of m क्यों नहीं, p of a क्यों नहीं, n क्यों, क्योंकि total कितने numbers add हो रहे हैं, how many numbers are we adding, numbers, n numbers add कर रहे हैं, n numbers add कर ले इसलिए p of n, ठीक है, n belongs to natural numbers, agreed, n एक natural number होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे बता पांच numbers add कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पांच नंबर्स ऐड करो तो 5 क्या होता है, व्हाट इज 5, 5 इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा ऐसा मत समझना कि 1 और यहाँ पे 5 एंड हो रहा है, ऐसा नहीं समझना। अगर देखो ऐसा होता 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, यहाँ पे भी बताओ कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं, पांच ही नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वैसा। तो ऐसा मत समझना सर 5 है इसलिए सर ने 5 लिखा है, पांच नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और 5 क्या डिनोट करता है, 5 एक नेचुरल नंबर डिनोट करता है। हाँ बोलो अभी क्या हो गया सर, वापस एक्सप्लेन करो, क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अभी तो खत्म ही कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत ही तो किया, अभी तक कुछ किया ही नहीं है मैंने, अभी तक सिर्फ पी ऑफ एन बोला है, ठीक है, ये पी ऑफ एन बोला है, और ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको पी ऑफ एन बोला है। पी ऑफ एन क्यों बोला है बताओ, क्योंकि यहाँ पे एल एच एस में कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, एल एच एस में टोटल एन नंबर ऐड हो रहे हैं, इसलिए पी ऑफ एन दिया है ना, और एन क्या है मेरा नेचुरल नंबर्स, है ना, एन एक नेचुरल नंबर है। ओके अभी करना क्या है मुझे, अभी करना क्या है मुझे, सबसे पहले मुझे ये जो स्टेटमेंट है ना पी ऑफ एन, ये जो स्टेटमेंट है यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी ये जो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये शो करना है, कैसे शो करना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, ये इक्वल दिखाना है, कैसे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये करने के लिए मेरे को तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तीन स्टेप्स को। अच्छा सबसे पहले बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अब तक जो बताया समझा कि नहीं समझा, सबसे पहला चीज क्या बताया मैंने, विच इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टॉट, कम ऑन, पहला चीज क्या बताया, कम ऑन, कितने नंबर्स ऐड हो रहे, हाउ मेनी नंबर्स आर गेटिंग एडेड, एन नंबर्स, एन नंबर्स बोलो या एन टर्म्स बोलो, चलो एन टर्म्स बोलो या एन नंबर्स, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे स्टेटमेंट को बोल दिया पी ऑफ एन। अगर मान लो कि 10 नंबर ऐड हो रहे होते तो मैं क्या बोलता, P of 10 बोलता, P of 10, ठीक है, बट यहाँ पे n टर्म्स ऐड हो रहे हैं, n नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और n क्या है बताओ, n क्या है, नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर ऐड हो रहे हैं तो 10 क्या डिनोट करता है, 10 डिनोट्स अ नेचुरल नंबर। ओके अब ध्यान से सुनना, ठीक है, पे अटेंशन, अभी स्टेप नंबर वन क्या फॉलो करना है, स्टेप नंबर वन अच्छी तरह देखना, अपने को स्टेप नंबर वन में शो करना है, शो दैट, ठीक है, स्टेप नंबर वन में टू शो दैट पी ऑफ वन इज ट्रू, क्या शो करना है, टू शो दैट पी ऑफ वन इज ट्रू, स्टेप नंबर वन में पी ऑफ वन इज ट्रू शो करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पी ऑफ वन इज ट्रू ये शो करना है, ठीक है। अब देखो पी ऑफ एन में क्या है बोलो, पी ऑफ एन में क्या है, ये है, दिस इज पी ऑफ एन, P of n के अंदर एक LHS है और ये RHS है, ठीक है, तो P of 1 is true ये शो करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर P of n से P of 1 कैसे मिलेगा बताओ, P of n की मदद से P of 1 कैसे मिलेगा, n की जगह पे क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, सिंपल, P of n से P of 1 कैसे मिलता है, n की जगह पे 1 डालूंगा, तो P of 1 is true ये शो करना, मतलब आप n की जगह पे 1 डालो, आप n की जगह पे 1 डालो यहाँ पे और LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS शो करके बताओ, ये अपने को शो कर रहा है, P of 1 is true ये
शो करना है, पी ऑफ वन ट्रू है ये आप शो करके बताओ। इसका मतलब ये होता है कि आप एन की जगह पे क्या डाल दो, एन की जगह पे वन डालो और एल एच एस का वैल्यू इक्वल टू आर एच एस शो करके बताओ। अब देखो पे अटेंशन, अभी पी ऑफ वन इज ट्रू ये शो करते हैं। चलो तो पहले एल एच एस निकालते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय एल एच एस, अभी एल एच एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पी ऑफ एन क्यू बोला है, यहाँ पे पी ऑफ एन क्यू बोला है, कितने नंबर ऐड हो रहे थे, कितने नंबर ऐड हो रहे बताओ, पी ऑफ वन मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर गेटिंग एडेड, ओनली वन, मतलब क्या लिखो बोलो, ओनली वन मतलब क्या लिखो यहाँ पे, सिंपली टू। अगर मैं बोलता पी ऑफ टू का एल एच एस क्या होगा, पी ऑफ टू का एल एच एस, तो बोलो कितने नंबर ऐड करता, क्विकली बताओ कितने नंबर ऐड करता है यहाँ पे, टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टू प्लस फोर क्या आ रहेगा, फिलहाल पी ऑफ टू नहीं निकालना है, फिलहाल अपने को क्या निकालना है यहाँ पे पी ऑफ वन, तो एल एच एस का वैल्यू टू हो गया। अब आर एच एस निकालो, अब आर एच एस कमॉन, आर एच एस में क्या आएगा, कमॉन एन की जगह पे डालो वन, एन की जगह पे डालो वन, क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस वन, कितना हो जाएगा, वन इंटू टू, कितना हो रहा है, टू। बोलो एल एच एस का वैल्यू इक्वल टू आर एच एस आया कि नहीं आया, एल एच एस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, अच्छी तरह सुनेंगे, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर वन में क्या करना है, स्टेप नंबर वन में शो करना है पी ऑफ वन इज ट्रू। अब खुद से पूछो कि भाई ये पी ऑफ वन इज ट्रू ये कैसे शो करेंगे, P of one is true ये कैसे शो करेंगे, आपके पास P of n है कि नहीं है, P of n है जिसमें कुछ तो LHS है और कुछ तो RHS है, तो P of one is true ये शो करने के लिए n की जगह पे क्या डालो बोलो, n की जगह पे 1 डालूंगा, n की जगह पे 1 डालूंगा और LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS शो करके दिखाऊंगा, क्योंकि P of one is true ये इक्वल है ना, ये शो करना है, P of one is true ये शो करना है, तो n की जगह पे 1 डाल के LHS इक्वल टू RHS दिखाऊंगा, तो N की जगह पे वन LHS में डालना, अभी LHS में डालना मतलब क्या, कम ऑन LHS में डालना मतलब एक ही नंबर को लिखना, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया ना P of N Q लिखते हैं हम लोग, N Q लिखते हैं क्योंकि N नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो P of one मतलब कितने नंबर ऐड कर रहे हैं, एक नंबर, तो एक नंबर क्या है यहाँ पे, पहला नंबर क्या है, टू। अभी ये LHS हो गया, अभी सिमिलरली RHS पे फोकस करो, N की जगह पे वन डालो, वन इंटू वन प्लस वन ये टू हो गया, ठीक है, वन इंटू टू, तो देखो LHS और RHS का वैल्यू सेम शो कर दिया, तो अभी स्टेप नंबर वन हो गया, स्टेप नंबर वन में P of one is true ये शो कर दिया मैंने। अब स्टेप नंबर टू, अब स्टेप नंबर टू में क्या करना है सुनना जरा, स्टेप नंबर टू में अपने को अज्यूम करना है दैट P of k is true, क्या करना है अज्यूम, अज्यूम यहां पे शो करने को बोल रहा हूं क्या, अज्यूम दैट P of k is true, अज्यूम अज्यूम शो नहीं करना है, देखो प्रीवियस वाले में क्या था, शो दैट, अब यहां पे क्या, अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू, मतलब क्या सर, मतलब आप पी ऑफ एन में, पी ऑफ एन में एन की जगह पे के डालो, पी ऑफ एन में एन की जगह पे के डालो और एल एच एस का वैल्यू इक्वल टू आर एच एस मान के चलो, ठीक है, अज्यूम करके चलो कि एल एच एस का वैल्यू आर एच एस के बराबर होगा जब एन की जगह पे आप के डालोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला है, अज्यूम करके चलना, ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो स्टेप नंबर टू में क्या करना है, पी ऑफ एन में एन की जगह पे के डालो, ठीक है, एन की जगह पे के डालने पे एलएचएस का वैल्यू इक्वल टू आरएचएस आएगा कि अपने को शो करना होगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आएगा कि शो करना होगा, इट इज इक्वल इक्वल, प्रूफ नहीं करना है, इधर देखो क्या लिखा है, ये वर्ड अज्यूम अज्यूम अज्यूम, देखो देखो अगेन मैं बोलता हूं, इसलिए स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहा, पहले वाले में क्या था, P of one is true शो करना था कि अज्यूम करना था, पहले वाले में शो करना था, इसलिए LHS का वाले इक्वल टू RHS शो करके बताया, इसलिए P of one true आया। अब P of k is true ये अज्यूम करना है, सर पहले बताओ P of k का मतलब क्या होता है, पहले बताओ P of k का मतलब क्या होता है, P of k मतलब n की जगह पे क्या डालो बोलो, n की जगह पे k डालो और n की जगह पे k डालने पर LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS हम अज्यूम करके चल रहे, क्यों, क्योंकि बोला है P of k is true ये आप मान के चलिए, ठीक है, तो assume that P of k is true मतलब n की जगह पे k, चलो n की जगह पे k डालो, come on look at this part, इसको देखो
ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो, लुक एट दिस पार्ट, एन की जगह पे के डालो और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मान के चलो, कम ऑन बोलो क्या आएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट एंड सो ऑन अप टू टू के, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा के इनटू के इनटू के प्लस वन। सर अब यहाँ पे के क्या होगा, यहाँ पे के क्या होगा, के भी क्या होगा एक नेचुरल नंबर ही होगा, बट ऑब्वियस है ना, के भी क्या होगा नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स कभी ऐसे होते हैं क्या, 5.2 टर्म 6.2 टर्म ऐसा देखा है कभी, के भी क्या होगा नेचुरल नंबर ही होगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर टू खत्म। अब लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, बिल्कुल भी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा वरना समझेगा नहीं, बिल्कुल भी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टेप नंबर थ्री, टू शो दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। देखो यहां पे क्या बोला है, पहले वाले में शो दैट था, दूसरे वाले में अज्यूम था, तीसरे वाले में वापिस क्या करना है, शो दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या करना है, टू शो दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू मतलब क्या, कौन बताएगा, बाजू में देखो क्या लिखा है पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू के बाजू में ये शो करना है, मतलब एन की जगह पे के प्लस वन डालो। अभी आधे लोग बोल रहे कहां सर P of K plus 1 है, आप बोल रहे हो N की जगह पे, P of K plus 1 कैसे मिलेगा, N की जगह पे क्या डालोगे, K plus 1, तो N की जगह पे K plus 1 डालो और LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS शो करके बताओ, ठीक है। मतलब दैट इज टू शो दैट क्या शो करना है, कम ऑन, N की जगह पे K plus 1 डालो, क्विकली बोलो, 2 plus 4 plus 6 plus 8 इक्वल टू, कम ऑन, N की जगह पे K plus 1 प्लस टू इंटू के प्लस वन इक्वल टू क्या शो करना है, एन की जगह पे के प्लस वन इंटू के प्लस टू ये इक्वल अभी तक शो नहीं हुआ है, ये दिखाना है। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज टू शो दैट, मतलब बेसिकली दिस इक्वल टू दिस शो करना है, ये दिखाया नहीं अभी तक, ये शो करके दिखाना है मुझे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, पे अटेंशन, फोकस ऑन द LHS, LHS पे फोकस करो, किधर LHS, ये अपना LHS है, इस पे फोकस करो, कम ऑन, LHS क्या बोलो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन अप टू, क्या है 2 इनटू k प्लस 1। अब मुझे काम करना है, मुझे बताओ 2 इनटू k प्लस 1 के पहले वाला नंबर क्या होगा, मुझे बस एक काम करना है, 2 इनटू k प्लस 1 के पहले वाला नंबर क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखना है, मुझे बताओ 2 इंटू के प्लस, अच्छा के प्लस वन के पहले क्या आता है बताओ, के प्लस वन के पहले क्या आता है, अग्रीड, के प्लस वन के पहले क्या आता है, तो 2 इंटू के प्लस वन के पहले क्या आएगा, 2 इंटू के आएगा, अग्रीड और नॉट अग्रीड, नहीं समझा सर, यस समझा सर, माइनस वन किया, हाँ नहीं नहीं माइनस वन किया, बट ओके अगर कोई पूछेगा मैं बता 2 इंटू के पहले नंबर क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, 2 इंटू के माइनस वन, ठीक है। पर फिलहाल अपने को उसकी जरूरत नहीं है, इतना लिख दिया बस, हमने क्या किया, इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखा, सो सॉरी गाइस, 2 इंटू के प्लस वन। चलो अभी जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इसको देखो, इसका वैल्यू क्या आपको स्टेप टू से मिलेगा क्या, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट किया उसका वैल्यू आपको स्टेप टू से मिलेगा, जरा स्टेप टू को देखो, स्टेप टू को देखो, इसका वैल्यू फ्रॉम स्टेप नंबर टू चेक करो, क्या मिल रहा है इसका वैल्यू स्टेप नंबर टू से, देखो 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 जल्दी से देखो, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्या लिखो इसकी जगह पे, k into k plus 1। और यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा ये कर दिया रे, एक मिनट गाइस, LHS अपना यहाँ पे प्लस 2 into k plus 1, यस, तो जो हाईलाइट करके बता इसका वैल्यू देखो, चेक करो, k into k plus 1 है, प्लस प्लस क्या बचा हुआ है, प्लस 2 into k plus 1, बताओ कॉमन क्या है, बताओ कॉमन क्या है, k plus 1 is common, क्या बचेगा, k plus 2, और ये चेक करो, ये अपना RHS से क्या, ये शो करना था क्या, चेक करो, ये अपने को शो करना था, देखो ये अपना RHS हो गया, तो चेक करो LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS आया, मतलब क्या हो गया, p of k plus 1 is true, है ना, p of k plus 1 true हो गया, अपना सम खत्म हो गया।
therefore from all the above three steps अपना LHS equal to RHS आ गया, but कैसे आया भाई? Principle of mathematical induction. मैं आपको इसका logical चीज भी बताना है, कैसे logically होता है मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझ के लो प्रोसेस, I'll explain the logic कि कैसे आया अपने आप ये कैसे प्रूव हुआ, ठीक है? पहले इसको कॉपी कर लो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, आप दो तीन सम आप इसको समझोगे ना फिर आप अपने आप करने लगोगे. चलो कॉपी करो इसको पहले, फिर मैं आपको दूसरे दो तीन सम और बताऊंगा, आराम से जाएंगे, घाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी.